हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में कैसे हम वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वो मेथड है जिसका यूज सबसे अधिक एसएससी के एग्जामिनेशन में आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम की जो बाउंडेशन होती है बच्चों, उसकी वजह से आपके को ये मेथड का यूज करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस जगह पे जो आपको वैल्यू पुट करना चाहिए या फिर किस जगह पे वैल्यू पुट नहीं करना चाहिए, ये दोनों बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा जो इसमें आपको वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो PMYT कोड यूज करके आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलती हैं, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि वैल्यू पुटिंग होती क्या है। जैसे अगर नोट करके लिख लीजिए, अगर बच्चों दो वेरिएबल हो, ठीक है, दो वेरिएबल्स हो या फिर ज्यादा हो, टू और मोर, यहां लिख लीजिए टू और मोर, है ना, और इक्वेशन एक हो, इक्वेशन क्या हो, एक हो, तो उस कंडीशन में हम हमेशा मैक्सिमम टाइम जो है वो वैल्यू पुट करते हैं। क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम बच्चे वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या कहा कि भाई अगर आपके पास इक्वेशन एक हो, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि इफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर टू टेन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन कितना है मैंने आपसे अगर पूछा तो बच्चे आप बताओ कि इक्वेशन कितना है, तो आपने कहा सर इक्वेशन जो है वो है एक, ये पूरा इक्वेशन एक ही है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल मतलब यहाँ पे एक तो थीटा है और दूसरा आपका साई, ये दो वेरिएबल हो गए, ठीक है। मैंने कहा कि अगर दो वेरिएबल हैं और इक्वेशन एक है, इसका मतलब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहां पे लिख लो पुट थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू मान लो, या फिर थीटा की मत मानो, इसकी वैल्यू मान लो, कितने हो जाए, जीरो मान लो, 0 डिग्री। तो वैल्यू अगर 0 डिग्री माने बच्चे तो ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि टेन की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है ना। तो अगर हम इसको पुट कर दें तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू टेन स्क्वायर 0 प्लस वन, तो ये तो 0 हो गया आपका, प्लस वन बचा, तो बच्चे हुआ क्या, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख लो, है ना। आपसे पूछा क्या है, आपसे वैल्यू पूछा है कि अगर ये है तो फाइंड फाइंड टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछा है। तो देखो टू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√2, 45 की वैल्यू होती है, प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, आपको जैसा कि पता है। तो 2 और 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, कितना आया, 2 आया, ये 1 और 1 प्लस 1, 2 आंसर आ गया। यानी मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं और आपके पास इक्वेशन एक ही है तो वैल्यू पुट आप कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट, बच्चे आपको दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ कि डायरेक्ट आप मान लो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री या फिर साई की वैल्यू 45 डिग्री, इन दोनों में से कोई भी 45 मान के सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है बच्चे, मैंने आप कॉस एक्स बराबर टू कॉस वाई माइनस वन अपॉन टू माइनस कॉस वाई, जहां पे ये लिखा गया आगे कि वेयर एक्स वाई 0 और 180 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो आपसे पूछा, ये दिया गया है कॉस एक्स बराबर इतना, और आपसे पूछा गया है टेन एक्स अपॉन टू और अपॉन में टेन वाई अपॉन टू की वैल्यू आपसे पूछी गई। अब बच्चे यहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते, 0 कहें क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि
अगर हम जीरो रखते हैं वाई की वैल्यू, तो बच्चे नीचे क्या हो जाएगा, यानी वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये आ जाएगी। और इससे बचना है, यानी जीरो अपॉन जीरो किसी भी कंडीशन में नहीं बनना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट आंसर नहीं आना चाहिए। तो हम क्या रख सकते हैं बच्चे, हम रख सकते हैं, अगर हमसे क्या पूछ रहा है भाई, जीरो से लेके 180 के बीच में है, तो इसका मतलब हम 60 रख सकते हैं, 90 रख सकते हैं। तो पहले 90 रख के देखते हैं, या फिर वाई की वैल्यू 60 रख लो, कुछ भी रख लो, 90 भी रखोगे तब भी आंसर आ जाएगा। वाई की वैल्यू 60 रख लो बच्चे, अगर वाई 60 है तो यहाँ पे देखो, इस वाले में कॉस एक्स बराबर 2 cos 60 डिग्री माइनस 1 अपॉन 2 माइनस cos 60। 61/2 होता है, आपको पता है कि, तो ये तो पूरा कट गया, तो क्या बचा, 1 माइनस 1, तो ऊपर 0 आ गया है ना, और नीचे कितना भी आए, नीचे कितना हुआ, 1/2, और 1/2 में 2 से तो माइनस कर दो तो 3/2 आ जाएगा, तो 0/3/2 हो गया। इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई बच्चे, आपको सर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, जो कि आप सॉरी cos 90 की वैल्यू 0 होती है, जो कि इधर दे रखा है। तो x की वैल्यू 90 आ गई बच्चों, तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे, देखो x अगर 90 है तो ऊपर आ गया 10 45 अपॉन, अगर x नाइन y क्या है, y हमने क्या माना है, y 60 माना है, तो 10 30, जो वैल्यू पूछा है उसको मैंने फाइंड आउट कर रहा हूँ। 45 का मतलब 1 हुआ, 30 का मतलब क्या हुआ, 1/√3 हुआ, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया √3, ये आपका सही उत्तर है। अब आपको आपका काम है बच्चे कि y बराबर 90 डिग्री मान के आप आंसर बताओ कि क्या होगा, y बराबर 90 डिग्री मान के आप आंसर बताओ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं दे देता हूँ साइन ए प्लस कॉस ए बराबर एम, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए बराबर एन, देन आपको फाइंड करना है, फाइंड एम स्क्वायर प्लस 2n/m इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन भी दो है ना, सॉरी तीन वेरिएबल हो गए ना, तीन वेरिएबल हो गए, एक तो a हो गया, दूसरा m हो गया, और तीसरा n हो गया, तीन वेरिएबल हो गए, इक्वेशन दो है, तो आप आराम से पुट कर सकते हो वैल्यू, तो वैल्यू पुट करके आप आंसर बताओ, है ना, क्या होगा इसका आंसर। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, पहला क्वेश्चन आपका ये है, दूसरा क्वेश्चन बच्चे मैं आपको देता हूँ, ए कॉस क्यूब थीटा, कमेंट में जरूर लिखना, अगर नहीं आया होगा तो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम, और दूसरा है ए साइन क्यूब थीटा प्लस 3 ए साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एन, तो आपको वैल्यू बतानी है m प्लस n टू द पावर 2/3 प्लस m माइनस n टू द पावर 2/3, इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं इसके ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ, पहला ऑप्शन है a टू द पावर 1/2 सॉरी 1/3, दूसरा ऑप्शन है a टू द पावर 2a टू द पावर 2/3, तीसरा ऑप्शन है a टू द पावर 2/3, और लास्ट ऑप्शन है बच्चों 2a टू द पावर 1/3, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपको दिए मैंने, यहाँ भी मैं आपको चार ऑप्शन दे देता हूँ, आपकी सुविधा होगी, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, और लास्ट ऑप्शन है बच्चों ये आपका 1। इसके ये ऑप्शन है, इसके ये ऑप्शन है, आपको ये कोई दोनों ही क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है क्या होगा। मैंने आपको एक बता दिया, वैल्यू पुट करके दो चीज़ें बता दी यहाँ पे आपको, ठीक है। अब आप नेक्स्ट जो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको दिया ये सॉल्व करके बताओ, और हम लोग बच्चे आपको बता देते हैं कि PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके आप इस पर्टिकुलर जो अनअकैडमी प्लस की फीचर्स हैं, जो तैयारी है, वो आप कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CBO की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपके लिए बहुत बेनिफिट है। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि इन दोनों ही फॉर्म में होगा, और दोनों ही फॉर्मेट आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए, साथ ही
मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि जो आपने वैल्यू पुट किया उसमें आपने सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके बारे में बात करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।